लॉकडाउन के चलते बंद की गई रोडवेज बस सेवा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। डीलक्स और सामान्य के बाद अब सुपर लग्जरी बस सेवा भी राजस्थान रोडवेज ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी सुपर लग्जरी बस सेवा का संचालन प्रदेश में ही रहेगा। जनता की मांग को देखते हुए ये सेवा बढ़ाई जा रही है। अभी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, पिलानी, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर के बीच ये सेवा शुरू की गई। हालांकि दिल्ली रूट पर भी ये सेवा शुरू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इन सभी रूटों पर ऑनलाइन टिकट ऑनलाइन राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक भी दिया जा रहा है। तो वहीं बसों के संचालन में रोडवेज प्रशासन सुरक्षा मापदंडों की कड़ाई से पालना कर रहा है। बसों की मॉनिटरिंग भी वीडियो कॉल के जरिए की जा रही है। जो हमारा अभी पॉइंट है वो ये है कि जो जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बहुत ही सुरक्षित ढंग से अपने जो डेस्टिनेशन है उनका वहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे तो हम लोग डिपो से तो इन लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, उन लोगों का टेम्परेचर पूरा मेजर करके सैनिटाइज करवा के बसेस को भी सैनिटाइज करके भेजते हैं। रूट पे जाके हम लोग खुद भी चेक करते हैं कि कहीं बसेस ओवरक्राउडेड तो नहीं है, कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं बैठे हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा में कोई भी ऐसे दखल नहीं हो और वो आराम से अपने मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच पाए। हम लोग वीडियो कॉलिंग करके कंडक्टर्स के साथ जब वो दूर निकल जाते हैं तब भी हम लोग वीडियो कॉलिंग करके ये देखते हैं कि वो लोग मतलब कंडक्टर ने कहीं कैपेसिटी से ज़्यादा तो उन लोगों को नहीं बैठा रखा है। इसके लॉकडाउन हुआ था करीब 2.5 महीने से राजस्थान रोडवेज का समस्त प्रकार का संचालन पूर्णतः बंद था, लेकिन आखिर में आकर हमारे मैनेजमेंट ने और सरकार ने इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए और बसों को सुविधा देते हुए जनता को सुविधा देते हो, तो फर्स्ट में हमने जो डिलक्स टिपो की सुपर लग्जरी बसेज हैं उनको 3 तारीख से सबसे पहले हमने 6 बसें बतौर ट्रायल तौर पे हमने चालू की थी। उसके बाद में जैसे जैसे यात्रियों का मतलब सुझाव आता रहा उसके अनुसार हम गाड़ियाँ संचालित कर रहे हैं। उसके बाद में 11 तारीख को गाड़ियाँ और बढ़ाई गई और आज 15 तारीख से 2 सर्विस और बढ़ाई गई है, जिसमें एक अनूपगढ़ और कोटा सुपर लग्जरी बस सेवा चालू की गई है। और यात्रियों का इन गाड़ियों के प्रति भी अच्छा रुझान है। अभी ये 12 बजे अनूपगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी और इसमें भी अभी करीबन देखो हमारे एक तो दिल्ली है, दिल्ली में थोड़ा रेस्पॉन्स कम मिल रहा है तो, और बाकी 2 उदयपुर है, 2 बीकानेर और 1 गंगानगर के लिए सर्विस चलाई है, 1 अनूपपुर के लिए चाहिए और 2 बीकानेर हो गई जयपुर से बीकानेर। ये रूट है हमारे, इनमें अच्छी रेस्पॉन्स मिल रही है, गाड़ियाँ